नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय, आपकी खबर रुचिका सोमानी के साथ। देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन कई घटनाएं हुई, जिनमें से प्रमुख है 1906 में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को एक विकेट से हरा कर अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की। किंग जॉर्ज पंचम ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की आधारशिला रखी। जॉर्ज पंचम प्रथम ब्रिटिश शासक थे जो विंडसर राजघराने से संबंधित थे। यूनाइटेड किंगडम एवं अन्य राष्ट्रमंडल समूह के महाराजा होने के साथ साथ जॉर्ज भारत के सम्राट एवं आयरिश राज्य के राजा भी थे। 1972 में नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एवं फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन हुआ। शहजादा सलीम की बगावत नाकाम होने के बाद उन्हें बादशाह अकबर के हजूर में पेश किया गया आज के ही दिन। न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी ने दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा। 1912 में कैप्टन रॉबर्ट एक स्कॉट के अभियान के बाद पहले अन्वेषक थे जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। हिलेरी ने अपनी टीम के साथ खराब मौसम में करीब 113 किलोमीटर की यात्रा की। वाराणसी लोकोमोटिव वर्कर्स ने डीजल का पहला लोकोमोटिव बनकर तैयार हुआ। आपको बता दें कि डीजल लोकोमोटिव वर्कर यानी डीजल रेल इंजन कारखाना। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई स्थित बुर्ज खलीफा को आधिकारिक तौर पर खोला गया, उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कहा गया था। अब बात करते हैं आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और गति के नियम का प्रतिपादन करने वाले इंग्लैंड के महान भौतिक विज्ञानी एवं गणितज्ञ सर आइजैक न्यूटन का आज ही के दिन जन्म हुआ। दृष्टिहीन को पढ़ने लिखने में मदद करने वाली लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की आज जन्मतिथि है। दर्शकों को बता दें कि लुई 3 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठे थे। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो आज के दिन इस दुनिया से विदा हो गए थे। हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार राहुल देव बर्मन आरडी बर्मन का आज ही के दिन निधन हुआ। इन्हें पंचमदा के नाम से भी पुकारा जाता था। अपनी अद्वैतिक संगीतज्ञ प्रतिभा के कारण इन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि इनकी प्रतिभा का आज भी कई संगीतकार अनुकरण करते हैं। पंचमदा ने 181 फिल्मों में अपनी आवाज दी थी। भूत बंगला और प्यार का मौसम में उन्होंने अभिनय भी किया। भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश SH कपाड़िया का आज के दिन निधन हुआ। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय, आपकी खबर।